Hello everyone, I Nikhat Parveen Khan welcome you all to Competition Community's YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी जो कि पेपर 3 का पार्ट 2 है उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शंस हैं उसके ऊपर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी का जो मेंस की संग्राम सीरीज चल रही है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम वक्त में जितने भी लोग इस बार का मेंस दे रहे हैं उन सबको जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे लिखना है इसको आपको प्रैक्टिस करवा सके। अगर आप लोगों ने मेरी ओरिएंटेशन क्लास नहीं देखी तो उसे एक बार देख लें जिसमें मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि जो पेपर 3 का पार्ट 2 में इंडियन पॉलिटी आता है उसको आपको कैसे डील करना है, किस तरह से उसमें कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, कैसे आंसर्स लिखने, 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ठीक, तो पहला तो एक ओरिएंटेशन वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। आगे आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटी के टॉपिक्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को एग्जांपल लेकर के डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आंसर राइटिंग में किन बारीकियों का ध्यान हमको रखना है। तो जिन टॉपिक्स को हम लेने वाले हैं आज, आपकी मेंस का सिलेबस अगर आपने रखा होगा तो आप देखेंगे शुरुआत के 2-3 टॉपिक्स हैं, संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, प्रीएम्बल, मेकिंग एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रस्तावना, संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषताएं। तो संविधान का निर्माण, विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान का विकास, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये वाले जो शुरुआती टॉपिक आपके सिलेबस के हैं उनके ऊपर कैसे 2, 4, 8, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे लिखना है, उन पर हम चर्चा करेंगे। मैंने एग्जाम्पल आंसर्स आपके लिए लेके आए हैं आज क्लास में, ठीक है, ताकि सिर्फ मैं ये ना बताऊं कि क्वेश्चंस क्या है, साथ ही साथ पूरे प्रिंटेड आंसर्स हैं कि जैसे लिखने चाहिए उसमें कुछ बारीक बातें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ओरिएंटेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी का जो सेक्शन मेंस में आता है वो बहुत कम है क्योंकि पेपर 3 का पार्ट 2 है, इस वजह से वैसे भी पार्ट 2 50 मार्क्स का होता है और उसके बाद पॉलिटी के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसमें, तो पॉलिटी यूजुअली 25 मार्क्स का आना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन को पिछले कुछ सालों में कम पूछने लगा, इस वजह से पॉलिटी के जो क्वेश्चन है 25 की जगह आपको 30 से 38 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब कि भले ही ये कंबाइंड है लेकिन इस पार्ट 2 में पॉलिटी को ज्यादा वेटेज दिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में, ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के अंडर कवर होते हैं। तो 30 से 38 मार्क्स का मामला है। इसके लिए मैंने पहले तो एक चीज आपको कही थी, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना इनमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने प्री में नहीं पढ़ा। कौन सा ऐसा टॉपिक जो आपने प्री में नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है आपने प्रीलिम्स में, बस आपको उनको लिखना कैसे है वो जानना है। और आपने जो कुछ इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है उसे एक्स्ट्रा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लिखने में बारीकियां जो है उसको ध्यान में रखना है। तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको मेंस में अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेखन शैली सुधार लें, प्रेजेंटेशन सुधार लें, कंटेंट पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने एनालिसिस वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार का चैप्टर है और जो कार्यपालिका का चैप्टर है, आई रिपीट, फंडामेंटल राइट्स एंड द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक वो वाला सेक्शन और एक फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस घूमते हैं, हालांकि इक्का दुक्का क्वेश्चन बाकियों से भी आते हैं। तो हम एक समराइज करके 3 वीडियोस आपकी पॉलिटी केस में आएंगे, समराइज करके मैं पूरे ही सिलेबस को आपको कवर करवाऊंगी, कहीं से 2 मार्क्स का, कहीं 4 मार्क्स का, कहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेकर, ठीक है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख करें, यानी जो इंग्लिश वाले उनके लिए क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू मेंशन एनी 2 प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसके जरिए मैं जो बताऊंगी उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। जाहिर सी बात है मैंने पहला जो टॉपिक है संवैधानिक विकास वहां से ये क्वेश्चन उठाया है और इस क्वेश्चन को रखने का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाहती हूं कि चाहे 2 मार्क्स हो चाहे 10 मार्क, 2 हो या 10 मार्क, क्योंकि ये संवैधानिक विकास में आपको बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने हैं तो 2 से 10 मार्क्स में एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि कोई भी एक एक्ट पूछ देगा और आपको पूछेगा ये कि बताइए इसके कोई 4 प्रावधान कौन से, 5 प्रावधान कौन से, 6 प्रावधान कौन से। पहले कभी
जब आप जानते होंगे कि 40 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका पेपर आया करता था, जो बड़े क्वेश्चन होते थे वो 20 एंड 40 मार्क्स के आते थे, तब मैं आपको बता रही हूँ 1919 और 1935 वाले जो अधिनियम है वो आपके 20 और 40 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, यानी तीनों को कंबाइन करके। राइट द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ 1909, 1919 एंड 1935। सिंपली उठाना है एक लाइन में उस अधिनियम को बताना है और सारे फीचर्स लिख देने जितने आपको याद रखने हैं। तो तीन पन्नों में आपने उसको लिख दिया और लोगों को मार्क्स मिल गए। कहने का मतलब ये है कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें तो यही होता है कि आपको चाहे 2 मार्क्स में हो चाहे 10 मार्क्स में हो, उठाकर आपको प्रावधान लिखने बोल देगा। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे इसने बोला है 1919 के 2 प्रावधान बताएं, तो जब आप प्रावधान लिखे तो उसमें खास बात आप ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी एक्ट में जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं उनमें कुछ हाईलाइटेड बातें होती हैं जो उस एक्ट की पहचान होती है। क्वेश्चन में जब आपका कम लिखने के लिए आपको रहे, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है तो 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं आपको, तो 2 पॉइंट्स ऐसे लिखिए जो खास तौर पर इस पॉइंट इस एक्ट को हाईलाइट करते हैं। मिसलिनियस बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं 1919 में, लेकिन इस 1919 की हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता पे लिखने की कोशिश करें। जैसे कि इसके जरिए देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। तो आप सभी जानते हैं कि 1919 की 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। अगर आप सिर्फ 2 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं और आपके पास कम जगह लिखने के लिए, तो आप इन दोनों चीजों को इंक्लूड करें ही। अब बड़ा आंसर है तो फिर आप तो दिगर सारी चीजें लिख सकते हैं। पॉइंट्स को प्राथमिकताओं में सेट करिए कि पहला कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा, ताकि दो ही अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो सबसे टॉप वाले 2 लिखें। तो 1919 में डायर की द्वैध शासन, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ था, एक आरक्षित विषय सूची बनाई थी, एक आपकी हस्तांतरित विषय सूची बनी थी, ये वाला जो विभाजन था प्रांतीय स्तर पे, ये 1919 का हाईलाइटेड पॉइंट है, ये आपका आना ही चाहिए। इसके जरिए उत्तरदायी सरकार बनाने की कोशिश की गई, प्रांतों में चुनाव यानी निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सेकेंड में, जैसे यहां लिखा हुआ है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख ईसाई और बाकियों के लिए भी कम्युनल इलेक्टोरेट के दरवाजे खोल दिए, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसकी जगह पे बायकैमरलिज्म का भी हो सकता है, यानी कि इसके जरिए द्विसदनीय प्रणाली प्रारंभ की गई। तो आप अपना सेकेंड पॉइंट अपनी चॉइस से रखें, पर वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने जो बार बार बताना चाहा, इसके मकसद को समझिए। आपके 2 से 10 मार्क्स तक हर एक क्वेश्चन में इस टॉपिक से प्रावधानों का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, लेकिन प्रावधानों को आपको प्राथमिकताओं के हिसाब से अरेंज करके रखना है कि अगर 2 मार्क्स में आए तो मैं पहले 2 क्या लिखूंगा, 4 मार्क्स में तो 4 क्या रहेंगे, 8 मार्क्स में आए तो 5-6 का क्रम क्या होगा, क्रम से सजा करके रखें, ठीक, ओके। उसके बाद इसी के ऊपर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए 1853 के चार्टर एक्ट में लघु संसद के प्रावधान को स्पष्ट करें। आपको कोई चीज को क्लैरिफाई करने बोल रहा है, क्या चीज को क्लैरिफाई करने बोल रहा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को, लघु संसद के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने बोल रहा है। अब देखो, जब भी वर्ड यूज होता है क्लैरिफाई, की वर्ड क्लैरिफाई जब यूज होता है तो आपको कुछ विस्तार पूर्वक समझाना पड़ता है। यहाँ पे आप पॉइंट्स में ना लिखकर पैराग्राफ में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है। जैसे यहाँ लिखा है, 53 के चार्टर एक्ट का निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। तो इस तरह से आप ये बताएंगे कि यहाँ पर विधायिका एक अलग बनी जिसमें 6 नए सदस्य शामिल हुए और टोटल मिलाकर के 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधायी परिषद का निर्माण हुआ। तो यू आर ओनली क्लैरिफाइंग द वर्ड ऑफ लघु संसद। तो यहां पर आपके आंसर की जो डिमांड है उसमें पॉइंट्स नहीं एक्सप्लेनेशन है और उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। शब्द सीमा का ध्यान रखें, 4 अंक है, 60 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। यहां पर एक लाइन में काफी वर्ड्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली में आपका 5 से 6 लाइन आएगी जब आप खुद इसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें आनी चाहिए इसमें इन 60 वर्ड, पर क्योंकि क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है तो पॉइंट ना करके पैराग्राफ में आप इसको लिखेंगे कि लघु संसद का मतलब ही ये होता है कि एक संसद या विधायिका की अवधारणा 1853 से आई और इसका विकास हम 1919-1935 तक हर एक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। 4 में अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड आप ध्यान रखिए,
अगर कीवर्ड में क्लैरिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, समझाइए, स्पष्ट करिए, व्याख्या करिए, ऐसा आया तो पैराग्राफ, मेंशन करिए, उल्लेख करिए, ऐसा कुछ आता है तो पॉइंट्स, ठीक है, ओके। उसके बाद एक 8 मार्क्स का मैंने एग्जांपल क्वेश्चन रखा है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के कौन से प्रावधान वर्तमान के भारतीय संविधान को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझें उसके बाद लिखें। यहां आपको 1861 के प्रावधानों को नहीं लिखना है, आपका क्वेश्चन यह है कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी चीजें उस वक्त हुई थी जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखती हैं। तो हमने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि 1861 में ही पहली बार ऑर्डिनेंस का पावर मिला था, तो ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट यहां से आया जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि 1861 में ही पहली बार संभागीय प्रणाली, जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, वो आया था, वो यहाँ पे। तो वो कुछ चीजें जो डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अभी प्रभावित करती हैं, उसको आपको लिखना है। तो क्वेश्चन की रग को पकड़ें, उसके बाद लिखें। पहले एक रफ में डेटा बना ले कि मेरे को ये पॉइंट इंक्लूड करना है, क्योंकि जब आप एक बार लिखना शुरू कर देते हो तो लिमिटेड स्पेस होने की वजह से ऐसा आप नहीं कर सकते कि आधी दूरी के बाद आप तय करें कि आगे क्या लिखना है। आप क्वेश्चन को पहले 2 मिनट फ्रेम करें दिमाग में कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये पॉइंट इस क्रम से लिखूंगा, तब लिखना शुरू करें। आप थोड़ा समय सोचने में ज्यादा दें, लिखने में कम, ठीक है। तो देखिए, अब 1861 के लिए आप, क्योंकि 8 मार्क्स है तो आपके पास 100 वर्ड्स होंगे लिखने के लिए, इस वजह से आप थोड़ा एक्सप्लेनेटरी मोड में स्टार्ट कर सकते हैं कि 61 का ये जो अधिनियम है संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो वर्तमान के संविधान में परिलक्षित होते हैं वो निम्न है, ठीक है। क्योंकि इसके जरिए ही मंत्रिमंडल, डिपार्टमेंटलाइजेशन आया था, इसलिए इसको हाईलाइट करके इसने प्रारंभ में ही बता दिया, फिर पॉइंट्स बताया। पॉइंट्स में जैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक बुकिश तरीके से प्रिंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको बुलेट दिख रहा है, बुलेट की जगह आप कोशिश करें 1 2 3 इस तरह से डालें, या आप एरो डाल सकते हैं या ABCD डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अपने आंसर कॉपीज में बुलेट का न्यूनतम इस्तेमाल करें। अगर पॉइंट्स बदलने हैं तो 1 2 3 डाल सकते हैं, तो इसकी जगह आप 1 और 2 ऐसा डाल सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ABCD डाल सकते हैं, रोमन में 1 2 3 लिख सकते हैं या एरो डाल सकते हैं, बुलेट का प्रयोग ना करें, ठीक। अब बात आती है कि अब यहाँ पे सारे प्रावधान ना पूछिए, सिर्फ उसी को पूछा है, तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। आप सारे 1861 के नहीं लिख सकते, वरना नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ जाते, तो बस उनको प्रभावित करने वाले प्रावधान पूछा है तो लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट है। तो आप एक काम करो कि जो 2-3 पॉइंट्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आपको 100 शब्द भी तो कवर करना है। अगर ज्यादा पॉइंट्स होते तो 3-4 पॉइंट्स आप लिख देते, लेकिन यहाँ पॉइंट ही कम है, इसलिए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन ज्यादा कर दो ताकि 100 वर्ड्स के लायक बन जाए। आपको खींचना और कंप्रेस करना आना चाहिए, यही गुण है जो आपको मेंस में पार लगाता है, कि उसी क्वेश्चन को आप खींचकर कैसे लिख सकते हो और कम से कम शब्दों में कैसे लिख सकते हो। यू शुड बी नोइंग द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग द सिंपल सेंटेंसेस एज वेल एज फ्रेमिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस होना चाहिए। जैसे वायसराय को विशेष अधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, अतः वर्तमान संविधान में जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसका प्रारंभ यहीं से हुआ। तो मैंने आपको बोला ऑर्डिनेंस वाला एक पॉइंट था। दूसरा, वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी मंत्रिमंडल का जो सिस्टम था, विभागों का जो सिस्टम था, वो यहां से स्टार्ट हुआ। आप सभी जानते हैं कि इस टाइम वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य हुआ करते थे, सबको अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए, जैसे कि गृह, वित्त, राजस्व, ठीक है। बाद में आपका 10 साल बाद 1871-74 में हम देखते हैं कि एक विभाग और ऐड किया जाता है, PWD का। तो फिलहाल यहाँ पर 5 विभाग बने थे और आपके 10-12 साल के बाद इसमें 6 विभाग हो जाते हैं, एक और ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ से वित्त विभाग, रक्षा विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऐसे ये वाली प्रथा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये 2 ही पॉइंट है, इसको डिटेल कर दीजिए, वर्ड्स गिनोगे तो 100 वर्ड्स में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझे कि खींचना और कंप्रेस करना आना चाहिए और क्वेश्चन की रग पकड़ के लिखें। 1861 के और पॉइंट्स है वो नहीं लिखना है, यहाँ पर वही लिखना है जो संविधान को प्रभावित करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अगला,
10 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बारीक फॉन्ट है, पढ़ने में दिक्कत जाएगी। मेरा यहाँ पे मकसद आपको यहाँ पर लिखे लुखाए आंसर नहीं देना है, मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना है, इस वजह से मैंने इसे फॉर्मेट को सामने रखा है। तो अगर बारीक शब्द को पढ़ भी नहीं पा रहे तो बेयर विद इट, आपका ध्यान मेरे एक्सप्लेनेशन पर होना चाहिए। क्वेश्चन पहले देखें, 10 मार्क्स मतलब कि आपका 125 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, और जाहिर सी बात है मैं पॉलिटी की बात कर रही हूं तो इसमें 125 शब्द के ही मैक्सिमम आंसर लिखने रहते हैं, उससे ज्यादा के नहीं रहते। क्वेश्चन क्या है, कंपनी शासन और क्राउन शासन के अधिनियम से क्या तात्पर्य है, दोनों की कोई दो दो अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक विकास की जितने अधिनियम है उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, अंडर कंपनी रूल अंडर क्राउन रूल। तो दोनों का मतलब क्या है पहले तो आपको एक पैराग्राफ में उसको समझा देना है कि कंपनी रूल क्या है और क्राउन रूल क्या है, और फिर दोनों की कोई दो दो अधिनियम, बहुत आसान है। आप जानते हैं कि कंपनी शासन के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के आपका जो 1857 का एक्ट है वहां तक के आया, उसके बाद क्राउन शासन आ गया था 1858 के एक्ट तक, मतलब 1853 के एक्ट तक के आपका कंपनी शासन था, और 1858 से लेकर के आजादी तक का एक्ट क्राउन शासन में आपकी पसंदीदा कोई भी दो आपको एक्ट उठाकर दो दो प्रावधानों के साथ लिख देने। जैसे इसने पहले एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्राउन और कंपनी शासन का क्या मतलब है, अब कंपनी शासन में उसने एक रेगुलेटिंग एक्ट को समझा दिया और एक्ट ऑफ सेटलमेंट को समझा दिया। कोशिश करिए अगर आप एक्ट यहां बता रहे हैं तो उसकी सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को लिखें, रेगुलेटिंग एक्ट का सार क्या था, महत्व यह था रेगुलेटिंग एक्ट का कि इसके जरिए भारत में केंद्रीय सरकार की नींव डालने की कोशिश की गई, इसके जरिए कंपनी के एम्प्लॉयज के ऊपर रेगुलेशन स्थापित करने की कोशिश की गई, और रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही भारत को या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन करने की मान्यता दी गई। वो वाले पॉइंट आना चाहिए बनिस्बत इसके कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व जो है वो यहाँ पर आप लिखें, आप चाहें तो आपके पास समय बचता है तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद है वो इसमें आया था। ठीक है, तो आप कोई भी चॉइस के दो लिखिए जिसमें आपके कम पॉइंट्स है, पूरा एक्ट डिफाइन हो जाता है, कोई भी दो, वैसे क्राउन शासन के अधीन अधिनियम ये। तो यहाँ पर फिर से वही चीज, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे गलती है, देखो पहले और इसमें सेकेंड वाले क्राउन शासन के अधीन 1 और 2 नंबर डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर भी आपको बुलेट वगैरह काट करके नंबर डाल करके लिखना है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 2 रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट और आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट दूसरा। मेरा ये सजेशन है जैसे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट है तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट लिखें, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगर आपको ऐसे कोई दो लिखने हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कंपैरिजन में, तो वो लिखें, और यहाँ पर फिर आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ढांचा देख पा रहे हैं, ढांचे में कुछ खास बात ऑब्जर्व की, जब कंपनी और क्राउन शासन को एक्सप्लेन करना था तो एक पैराग्राफ का इस्तेमाल किया गया, फिर आपको दो दो अधिनियम दोनों के बताने तो एक दो सब हेडिंग इस्तेमाल हुई, कंपनी शासन के अधीन अधिनियम और क्राउन शासन के अधीन अधिनियम, उसके बाद उनके अंदर के सब पॉइंट्स में भी आपकी सब हेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉइंट्स हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपके आंसर में होगी, जितना ज्यादा कम पैराग्राफ में और ज्यादा पॉइंट्स में आपका आंसर लिखा रहेगा उतना कैची होगा, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि पेपर 3 में मार्क्स नहीं मिलते, आई रिपीट, लास्ट ईयर के जिन लोगों के रिजल्ट आए उन लोगों से पूछ लीजिएगा, पॉलिटी में 3-4-5 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 30-35, दिस इज वेरी लो। 3-4 मार्क्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं मैं, तो दे आर वेरी वेरी, मतलब वो लोग बहुत कंजूसी से मार्क्स दे रहे हैं और आपको उनसे वो मार्क्स निकलवाने हैं, इसलिए बहुत कुछ आपकी प्रेजेंटेशन पर ही डिपेंड करेगा। कंटेंट से ज्यादा यहाँ प्रेजेंटेशन मायने रख रहा है, प्रेजेंटेशन जितना कैची होगा, जितना अंडरलाइन करोगे, जितना सब हेडिंग बनाओगे, जितने पॉइंट्स बनाओगे, जितना आप डिफरेंस टेबल फ्लो चार्ट बनाओगे, उतना ज्यादा कैची होगा, उतने मार्क्स मिलने की ज्यादा गुंजाइश है। पूरी पूरी सेंटेंसेस लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सकता है उसको सेंटेंस को कंप्रेस करके लिखें। ठीक है, तो ये एक ढांचा था आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन का, आई होप आपको समझ में आया, एक्सप्लेनेशन में पैराग्राफ, फिर सब हेडिंग, फिर उसके अंदर की सब हेडिंग्स, क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो मैंने आपके संवैधानिक विकास के एक एग्जांपल 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके मैंने कुछ बातें बताई हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे आपको बताने की कोशिश की कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आ जाते हैं मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में, जो मौलिक अधिकार कर्तव्य और डीपीएसपी में मौलिक अधिकार ही सबसे बड़ा टॉपिक है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं के ज्यादा एग्जांपल्स हम देखेंगे। एक तो सीधा साधा क्वेश्चन अगर आप 2 मार्क्स के हिसाब से देखें तो सीधा कोई भी अधिकार आपको लिखने के लिए बोल देगा,
जितने अधिकार आप पढ़ रहे हो उसमें जो कोई इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं उनको डिफाइन करने बोल देगा। तो जहां डेफिनेशन है वहां पैराग्राफ आ जाएगा 30 शब्दों में, जहां आपका कोई अधिकार समझाना है वहां पॉइंट आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कोई दो अधिकारों का उल्लेख करिए। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके कोई भी दो राइट्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स लिखने और आपका आंसर डन है। पहला है अनुच्छेद 25, दूसरा है अनुच्छेद 26। इसमें जो जो आ सकता है आप उसे लिख दें, दो पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही दो मेंशन किया है। अब यहाँ एक चीज और गौर करिए आप, अगर क्वेश्चन में उसने दो लिखा है तो दो लिखिए और आपका काम खत्म, आपको पूरे दो मार्क्स देना उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी वैल्यूएटर की। लेकिन अगर आपको ये पूछता है धर्म स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख करिए और उसने दो नहीं लिखा रहता तो आपको चारों लिखने रहते। आई रिपीट वट आई वॉन्ट टू से, मैं फिर से रिपीट कर, जो मैंने कहा भले ही ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या उसने स्पेसिफिक नंबर ऑफ पूछा है आर्टिकल। तो हाँ, उसने बोला है दो ही आर्टिकल आपको लिखने हैं, तो दो लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स देना एग्जामिनर की जिम्मेदारी, क्योंकि क्वेश्चन में ही दो बोला है। लेकिन अगर वो ये बोलता कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख करिए, तो उसने ये नहीं बोला कि दो अधिकारों का उल्लेख करिए, उसने बोला कि अधिकारों का उल्लेख करिए, तो फिर आपको धार्मिक स्वतंत्रता के 25, 26, 27, 28 चारों के नाम और एक एक लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, तब दो मार्क्स मिलेंगे, सब में आधे आधे मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2, दो मार्क्स का ही एक मैंने बताया है। जैसे यहां रिट के प्रकार लिखिए, अब इसने ये नहीं बोला कि कोई दो रिट लिखिए, अगर कोई दो रिट होता और आप दो रिट लिख देते तो पूरे दो मार्क्स देना एग्जामिनर की मजबूरी हो जाती। यहाँ पे रिट के प्रकार है ही पांच, तो जब तक आप पांच नहीं लिखेंगे तब तक आपको दो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बताने की अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट देने का अधिकार है और 226 के तहत हाईकोर्ट को, और ये वो पांच रिट के नाम है, पूरे दो मार्क्स आपके। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहेगा कि आपका एक मार्क्स जो रहेगा वो कौन रिट जारी करता है और कौन से अनुच्छेदों के हिसाब से है वो, और बाकी जो है ये नाम के हिसाब से मार्क्स होंगे। आप ये मान के चलिए कि आधे मार्क्स इसमें रहेंगे और डेढ़ मार्क्स आपका रिट के नाम पर होगा। आपको एक्सप्लेनेशन जरा भी नहीं करना है, बस आर्टिकल बता देना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट जारी करती है बताना है, और पांच प्रकार के रिट बताना है, दैट इज इट। तो आधे मार्क्स इसमें और डेढ़ मार्क्स इसमें, ठीक है। तो या तो स्पेसिफिक नंबर बताएगा या नहीं बताएगा, तो पूरे लिखने पड़ेंगे आपको, भले ही दो मार्क्स का क्यों ना हो, ये मैं बताना चाह रही हूं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का, मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं बताइए। तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो यूजुअली आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व में आप उनकी विशेषताएं, उनका महत्व, उनकी आलोचनाएं यूजुअली उतना ज्यादा प्री में नहीं पढ़ते। विशेषताएं तो एक हद तक पढ़ते भी हैं, महत्व आलोचनाएं नहीं पढ़ते, विशेषताएं थोड़ी बहुत पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि विशेषताओं से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं, पर यूजुअली महत्व और आलोचनाएं नहीं पढ़ते हम। ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको थोड़ा सा मेंस में कवर करना चाहिए और वही थ्योरी बनकर पॉइंट्स बनाकर आपको मेंस में लिखना है। या तो आपको 4 मार्क्स में दे देगा विशेषताएं लिखिए, महत्व लिखिए, आलोचनाएं लिखिए, सब में पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपसे फीचर्स पूछा है, तो मौलिक कर्तव्य की 4 मेन विशेषताएं हैं कि कुछ सिविल राइट्स हैं आपके, सॉरी सिविल ड्यूटीज हैं, कुछ आपकी सिटीजन ड्यूटीज हैं, ठीक है। ये जो ड्यूटीज हैं ये इंडियन ट्रेडिशन का रिफ्लेक्शन है। अगली बात ये कि ये भारत में ड्यूटीज जो है केवल और केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए है ही नहीं। अगली बात ये कि इनको गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशियबल बनाया गया है, अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं भी निभाता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं हो सकता। तो ये 4 आपने पढ़ी है, कुल मिलाकर क्वेश्चन की डिमांड है 4 विशेषताएं लिखना। आपने 4 विशेषताएं लिख दी और एकदम सटीक लिखी है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने देखा है पॉइंट्स बनाने के चक्कर में लोगों को एक दो पॉइंट्स याद रहते हैं, एक दो वो लोग गप मारते हैं। मौलिक कर्तव्यों का महत्व संविधान में बहुत ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1। अरे आपने उस पॉइंट में बताया नहीं कि क्या महत्व है, आपने एक पॉइंट बनाने के लिए लिख दिया कि इसका संविधान में बहुत महत्व है, देश के लिए मौलिक कर्तव्य बहुत जरूरी है। अरे क्या जरूरी है वो तो लिखो, आप समझ रहे हैं, एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं बना सकते आप कि हाँ पॉइंट्स में लिखने बोली मैडम ने, 5-6 पॉइंट्स लिख देते हैं और मतलब कि सिर्फ 2-3 पॉइंट रहेंगे। आपको पूरे मार्क्स तब मिलेंगे जब 4 के 4 पॉइंट एकदम सटीक होंगे, उस पे भी
जहां क्वेश्चंस में दो से ऊपर की मार्किंग शुरू होती है तो चार में चार, आठ में आठ, दस में दस नहीं मिलता। ये लिख कर ले लो, जितना भी सही लिखे हो, अगर ये भी एज इट इज उतार दिया है आपने अपने उत्तर कॉपी में, तो चार में से तीन मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत खुश हो गया, बहुत लीनियंट कोई एग्जामिनर है तो साढ़े तीन मिलेंगे, चार नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे जब आप मेंस लिखें, तो इस चीज के लिए दिमागी तौर पर प्रिपेयर्ड रहे कि पेपर थ्री में पूरे मार्क्स नहीं मिलते अगर वो दो मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे भी, कोई लोग बहुत मार्क्स काटते हैं, कोई लोग खुल कर देते हैं, पर बड़े मार्क्स में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। इतना ध्यान रखिए, दो मार्क्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा गेनिंग पॉइंट है। अगेन मैं इस चीज की टिप आपको देती हूँ, हमेशा पेपर में दो मार्क्स के क्वेश्चन पूरे बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के जैसे आपको पूरे पूरे मार्क्स दिला सकते हैं, एज कम्पेयर टू आठ मार्क्स, दस मार्क्स, जिसमें हमेशा मार्क्स कम ही मिलते हैं। आप कितना भी जान निकाल के भी रख दोगे ना आंसर कॉपी में, तो दस मार्क्स में आपको छह से ऊपर मार्क्स नहीं मिले, छह साढ़े छह उससे ऊपर मार्क्स नहीं मिलते यूजुअली, ठीक है। वैसे ही आपके आठ मार्क्स का जो पेपर है, आठ मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसमें चार पांच मार्क्स से ऊपर नहीं मिलते, आप कितना भी अच्छा लिख लो। इसलिए आपकी कोशिश वहां होनी चाहिए जहां मार्क्स फेचिंग ज्यादा, यानी टू मार्कर आंसर्स उसमें ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो वापस आते हैं, इसमें चार विशेषताएं लिखनी थी, चार सटीक विशेषताएं लिख दी तो आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का महत्व समझाएं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि आपका विशेषताएं भी आ सकता है और महत्व, पर अभी फर्क यह है कि वाला क्वेश्चन मैंने चार मार्क्स में दिया था, ये क्वेश्चन आठ मार्क्स का है। अब आठ मार्क्स का है तो कंटेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया कि पांच पॉइंट्स दे दिए एज कंपेयर टू लास्ट वाले फोर, और इनमें से कुछ पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा है। ये आप पर डिपेंड करता है, या तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन बढ़ा दो या नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा दो। मेरा सजेशन ये है कि जैसे मार्क्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाना ज्यादा समझदारी की बात है एज कम्पेयर टू एक्सप्लेनेशन बढ़ाना। अगर ये पांच की जगह आप छह से सात पॉइंट लिख देंगे ना तो ज्यादा कवर होगा। अगर मैं ये तीन पॉइंट, ये जो तीन लाइन का आपका पॉइंट है, इसको मैं हटाकर एक दो पॉइंट और घुसा दो इसमें, तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इस चीज को भी ध्यान रखें, नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होंगे। मैंने आपको बताया पहले भी शायद ये चीज कि कई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि मैडम हमने ना 15 मार्कर आंसर्स में, जहां जहां 15 मार्क्स के होते हैं, हमने पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक के 15 उठा के पॉइंट लिख दिए, कोई भूमिका नहीं बांधी, कोई निष्कर्ष नहीं लिखा, 15 पॉइंट लिख दिए और हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो ये माइंडसेट के एग्जामिनर्स होते हैं, तो आप इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ज्यादा ज्यादा डालें, वैरायटी ज्यादा दिखनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन कम, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आंसर है जो मैंने आपको बताया है। जबरदस्ती मौलिक कर्तव्य क्या है, कहां दिए गए हैं, इसको लिखने की जगह एक लाइन में बोलो मौलिक कर्तव्य के महत्व निम्न है, और सीधा पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, ओके। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ये क्वेश्चन 10 मार्क का है, यहाँ पे मैं मार्क्स लिखना भूल गई। मौलिक अधिकार हमेशा से ज्यादा मार्क्स में आए हुए हैं, आपने देखा है लास्ट टू लास्ट ईयर, आपका लास्ट ईयर धर्म का अधिकार सिर्फ एक आर्टिकल उठा करके 10 मार्क्स में पूछ दिया था, तो यहाँ पर इजी होता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता। तो या तो सीधा सीधा मौलिक अधिकार कोई सा एक प्रकार, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार लिखिए, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो मौलिक अधिकार है वो लिखिए, या वो सारे अधिकार लिखिए जो समता के अधिकार है 14 से 18, या तो आपको ऐसे लिखने आ जाएगा, कोई एक राइट उठाकर पूछ देगा जैसे कि आर्टिकल 25 लिखिए, 26 लिखिए वगैरह वगैरह, या फिर एक प्रकार का जो एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वो है आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस। अब क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब समझिए, आपको जो भी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करने बोला गया है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में आपको उसको क्रिटिसाइज करना है। एक बात ध्यान रखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, एक्चुअली उस पॉइंट की बारीकियों को पकड़कर उसके जरिए एक निष्कर्ष ड्रॉ करना क्रिटिकल एनालिसिस है। आप जो भी चीज दी गई है, जिसका भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों को हाईलाइट करिए और अपना एक निष्कर्ष दीजिए, इसे ही क्रिटिकल एनालिसिस करना बोला जाता है। तो कोई चीज जो रखी गई है, पहले उसकी आपको बाल की खाल निकालना है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसमें ये अच्छा है ये बुरा है, ये होता है क्रिटिकल एनालिसिस। आपका नजरिया है वो क्रिटिकल, जिसकी बात यहाँ हो रही है, क्रिटिसिज्म का मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है मौलिक अधिकारों का क्रिटिकल एनालिसिस, तो मौलिक अधिकारों की जो अच्छाइयां और बुराइयां हैं उनको पॉइंट वाइज आप यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद एक लास्ट में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। मौलिक अधिकारों की अच्छाइयां और बुराइयां आपके बुक में दी गई हैं, आलोचनाएं भी दी हुई हैं, महत्व भी दिया हुआ है, उसको आप पॉइंट में लिख दीजिए, तो 70% ऑफ द आंसर जो आपका रहेगा
इन 125 वर्ड्स, मतलब आपका 70% जो आंसर रहेगा वो इन्हीं चीजों पर रहेगा, और लास्ट जो रहेगा आपका वो एक निष्कर्ष रहेगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन में 2 से 3 लाइन का ही सही आपका एक कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस के बाद क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। बिना कंक्लूजन के ये आंसर कंप्लीट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म करने बोलेगा तो पॉइंट्स लिखिए क्रिटिसिज्म के और छोड़ दीजिए, पर क्रिटिकल एनालिसिस करने बोलेगा तो आपको पॉइंट्स लिखने के बाद एक पैराग्राफ भी लिखना जरूरी है जो आपका निष्कर्ष होगा। ठीक है, ये अप्रोच रहती है क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बाकी सिंपल क्वेश्चन आते हैं मौलिक अधिकार कर्तव्यों से कि ये वाला अधिकार बताइए, ये वाला डीपीएसवी बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए। तो जहां एक्सप्लेनेशन वाली बात है तो सीधा सीधा लिख देना है, पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर व्यापक सीमाएं, कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं, स्पष्टता का अभाव, स्थायित्व का अभाव, ये कुछ नया नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। ये आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है, आपने क्लासेस में पढ़ा है। इनमें से कोई 5 पॉइंट्स हमेशा रट के जाना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी की आलोचना, कम से कम 5 पॉइंट्स रट के जाना, वो कैसे भी तरह के क्वेश्चन आए बन जाएंगे उससे। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक और सेक्शन में, प्रस्तावना, संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषताओं के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहले 2 मार्क्स में देखें तो संविधान निर्मात्री सभा के पहले अस्थाई एवं स्थाई अध्यक्ष कौन थे। देखो मैं हमेशा कहती हूँ तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार ऑब्जेक्टिव का कन्वर्जन होते हैं। जो चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना 2 मार्क्स के लिए, आपका प्रीलिम्स में पेपर में भी एक क्वेश्चन से 2 मार्क्स ही मिल रहे हैं ना आपको ऑब्जेक्टिव में, बस वही चीज सब्जेक्टिव में आपको 2 मार्क्स दिला देती है। वहां पे आपको टिक करने रहते हैं, यहाँ पे लिखना रहता है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको भूमिका बांधने की या 30 शब्दों में शब्दों को भरने की जरूरत नहीं, आपका आंसर होना चाहिए सीधा कि संविधान निर्माता सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिटरली मानिए, अगर आपने ये चीज सही लिख दी और एग्जामिनर सेन हो, इन्हें अच्छे से चेक कर रहा हो, पूरे 2 मार्क्स देगा आपको। एक लाइन में आपका आंसर खत्म हो जा रहा है लेकिन 2 मार्क्स देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो पूछा गया वो आपने लिख दिया। यहाँ पे मार्क्स साइंस के जैसे दिए जाते हैं अगर सही तरीके से दी जाए। ठीक है, आपकी मन है, आपके पास ऐसे लगता है कि कुछ 1-2 लाइन आपको लिख देनी चाहिए तो लिख देनी चाहिए, पर वो 1-2 लाइनों के मार्क्स नहीं मिल रहे आपको, मार्क्स ही नहीं 2 पॉइंट्स के मिल रहे। तो इट इज द ऑब्जेक्टिव कन्वर्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे सिर्फ आपने जो पूछा है वो लिख दिया तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, दूसरे तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 मार्क्स में यहाँ पे लिखा है, संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर स्पेसिफिक नंबर लिखा है कि इतनी विशेषताएं लिखिए, इतने महत्व लिखिए, तो आपको उतने ही लिखने पड़ेंगे तब 2 मार्क्स मिलेंगे। भले ही उत्तर लिखने में आपको स्पेस ज्यादा लग रही है और उसी 3 लाइनों में आपको उसको कंप्लीट करना है 30 शब्द में, लेकिन आपको नंबर ऑफ पॉइंट तो 4 लिखने ही पड़ेंगे तभी, क्योंकि हर एक पॉइंट में आधा आधा मार्क्स है। तो संविधान, भारतीय संविधान की प्रमुख 4 विशेषताएं क्या है? सबसे वृहद है, ठीक है, कठोर और लचीला दोनों है, कई देशों से लिया गया है, और इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है। एक बात यहाँ पे आपको याद दिला दूं, मैं अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी इस चीज को कहती हूं कि जब भी संविधान की विशेषताएं बोलता है तो संविधान की विशेषताएं 15-16 आपने याद करी हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स में आए तो आपको हमेशा टॉप 3 विशेषताएं वही रखनी है जो यहां मैंने लिखी है। जो सबसे एक्सक्लूसिव फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है, इट इज द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे वृहद लिखित संविधान है। तो ये चीज आपको सबसे पहले लिखनी है। दूसरा, लचीला भी और कठोर भी, यानी ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरा, कई देशों के संविधान से लिया गया है, अडॉप्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्री। ये 3 चीजें ना संविधान की किताब की विशेषता है। उसके बाद 4th पॉइंट आपकी मर्जी कुछ भी उठाकर लिख सकते हो, पर ये 3 आने चाहिए, 2 मार्क्स हो चाहे 4 मार्क्स हो आने चाहिए। ठीक है, तो इन सब में आधे आधे मार्क्स हैं, आपने जितने पॉइंट्स लिखे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन ही 4 बोला है उसने। अच्छा, इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये 4 नहीं भी बोलता तो मैक्सिमम आप 4 ही पॉइंट्स लिखते, क्योंकि मार्क्स 2 ही हैं, वो आधा आधा करके ही बांटेगा। ठीक है, 2 नहीं लिखना। अगर उसने बोलता कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करिए और आपको कोई निश्चित संख्या नहीं दी रहती कि कितने लिखना है, तो आप स्वयं से थोड़े आगे बढ़कर 4 पॉइंट्स लिख दे ताकि मार्क्स कटने की गुंजाइश ही ना रहे। यहाँ पे आप सोचेंगे यार 2 मार्क्स का 2 पॉइंट लिख देता हूँ तो मार्क्स कट भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पर 4 लिखोगे तो नहीं कटेंगे, तय है, ओके। अगला हम क्वेश्चन नंबर
सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं अक्सर, दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। ये PYQ भी है आपका, आया हुआ है 4 मार्क्स में, तो इसको आपको समझाना है। ठीक, 4 मार्क्स यानी 60 वर्ड्स में समझाना है। आपके पास 6 लाइनें रहेंगी जिसमें आपको इसको समझाना है। तो सीधी सी बात है, शुरू की 3 लाइन में इसे नम्य क्यों कहा गया, बाद की लाइन में इसे अनम्य क्यों कहा गया, और 1 लाइन में कंक्लूजन। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए 2 से 3 लाइन में नम्य क्यों कहा गया, 2 से 3 लाइन में अनम्य क्यों कहा गया, और 1-2 लाइन में कि इनका संश्लेषण क्यों कहा गया, इसको आपको बता देना है। तो आपका 2 पैराग्राफ ब्रेक होगा कि ये फ्लेक्सिबल क्यों है, ये रिजिड क्यों है, और उसके बाद संश्लेषण इसलिए है क्योंकि प्रावधानों पर डिपेंड करता है। कुछ प्रावधान आसानी से बदले जा सकते हैं, कुछ प्रावधान आपके मुश्किल से। तो जैसे लिखा है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसके बावजूद इसमें संशोधन किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो है ये लचीला है। अगर संशोधन संभव है तो वो लचीला है, परंतु भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जहां सरलता से संशोधित होते हैं, तो वहीं कुछ प्रावधान जो है वो थोड़ी कठिनाई से संशोधित होते हैं, और इस वजह से ये नम्यता और अनम्यता का संश्लेषण है। तो 2 पैराग्राफ छोटे छोटे ब्रेक कर दिए आपने। ठीक, इसको लिखने में 3 लाइन लगेगी, इसको लिखने में 3 लाइन लगेगी, और 4 मार्क्स का आपका आंसर हो गया कंप्लीट। और इसमें आपको 3 से 3.5 मार्क्स तक मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों के प्रयोग में ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा हल्की लैंग्वेज भी नहीं होना चाहिए, एक साधारण स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगला एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, भारतीय संघीय ढांचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। मतलब आपका एक क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना है, उल्लेखित भारत राज्य की प्रकृति का विवरण करें। ये वाला क्वेश्चन देखो जो मैं बताना चाह रही हूँ। प्रीएम्बल में आप जानते हैं कि पैराग्राफ 1 जो है प्रीएम्बल का, उसमें भारत राज्य की प्रकृति को बताने के लिए 5 वर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक वर्ड उठाकर 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और 5 वर्ड उठाकर 10 मार्क्स और 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 8 का भी आ सकता है और 10 का भी। ठीक है, तो इसमें आपको ये 5 वर्ड्स के मायने समझाने। जैसे सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम आंतरिक और बाह्य रूप से किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज कल्याण की भावना के साथ ही देश आगे बढ़ता है, समाज में समानता स्थापित करना, इक्वालिटी अटेन करना देश का मुख्य उद्देश्य है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि प्रशासनिक निर्णय लेते टाइम सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। डेमोक्रेटिक का तो मतलब सभी को पता है कि इंडिया में जनतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये खास तौर पर आपको लिखना है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और लास्ट में रिपब्लिक का मतलब होता है कि भारत का जो मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है, ये गणतंत्र की मेन डेफिनेशन है। ये बेसिक 1-1 लाइन डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेनेशन में लिख देना है, क्योंकि 10 मार्क्स का है तो थोड़ा सा विस्तार आप कर सकते हो, साइड हेडिंग्स डालकर लिखें, अंडरलाइन करें अपनी कॉपी में तो सबसे अच्छा होगा। 5 अलग-अलग साइड हेडिंग्स मिलनी चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आप वेस्ट ना करें जगह को, आप एक्सप्लेनेशन जो पॉइंट्स हैं उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। तो 5 अलग-अलग एक्सप्लेनेशन, 5 अलग-अलग पॉइंट, 5 अलग-अलग अंडरलाइन, 5 अलग-अलग नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद मेन जो लाइन है उसको लिखें, इस एक्ट के द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो विशेषता है भारत की ये बहुत अच्छी है, ऐसे बेकार के शब्दों से बचें। भारत राज्य को प्रकृति को बताने वाली बहुत सारी विशेषताएं, उनमें से ये विशेषता भारत को एक अलग स्थान देती है, साहित्यिक प्रस्तुतिकरण से बचें, तथ्यात्मक टू द पॉइंट आंसर लिखें, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। साहित्यिक प्रस्तुतिकरण यानी कि आपका थोड़ा सा, अगर आप कहेंगे कि लिटरेचर के वे में प्रेजेंटेशन करूं तो वो उतना आपके शब्दों में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता। फैक्ट और टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे उतना आपका आंसर सही रहेगा। तो सब हेडिंग के जरिए इस आंसर को डील किया जा सकता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, आप इसको देख सकते हैं, मैंने एक लाइन में एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया है। ओके, ठीक, दैट इज इट। So that is it.
इतनी कुछ चीजें थी जो मुझे आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी थी। शुरू के 3-4 टॉपिक्स में से मैंने आपको एग्जांपल क्वेश्चंस बताए, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं उसके अगर आपको आंसर्स डिटेल में पढ़ने हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये मेन फोकस करने की कोशिश की कि आपके आंसर लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए, भाषा उसकी वर्ड लिमिट कैसी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस में कीवर्ड को पकड़ करके उनके उत्तरों को लिखना शुरू करना है। मैं फिर दोहराती हूँ, उत्तर लिखने से पहले कुछ क्षणों के लिए सोचे जरूर, पहले लिखना शुरू करके बीच में ना सोचें क्योंकि उस वक्त आपके पास स्पेस नहीं बचती है। तो पहले फ्रेम करें, चाहे वो 2 मार्क्स का आंसर हो चाहे 10 मार्क्स का, उसके बाद लिखना शुरू करें। क्वेश्चन की रग को पकड़ें कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट, सब हेडिंग, अंडरलाइन, फ्लो चार्ट, ये आपका मूल मंत्र है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस आपके साथ लेकर हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।